वहीं लुप्त तो होते लोक नृत्य के बीच एक व्यक्ति के पहल ने लोक नृत्य को फिर से नया जीवन दिया है। कहानी रद्रप्पा की है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नृत्य दिन ब दिन लुप्त होते जा रहे हैं, सरकार का उदासीन रवैया भी इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा सकती है। लेकिन हम जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो हौसले की अनकही दास्तां को बयां करता है। रजरप्पा के शुभाशीष चक्रवर्ती लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं और बिना सरकारी मदद के लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फेलोशिप अवार्ड और मलेशिया में गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। गांव की खुशहाली पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी शुभाशीष ने अपने विचार रखे हैं। हर एक व्यक्ति का एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, मेरा भी है, जिसका निर्वहन मैं पिछले 15 सालों से करता आ रहा हूं। और पंडाडी सहित आसपास के गांवों के जितने भी पुस्तकालय हैं व स्कूल हैं उनको सुदृढ़ करने की एक कोशिश की गई। जब बच्चे पुस्तकालय में आते थे तो मुझे पता चला कि उनकी एक अभिरुचि है छऊ नाचने में, उनको छऊ नाचना अच्छा लगता है। तो मैंने एक कोशिश किया, अपने वेतन से पैसे बचाकर दो युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया कि ताकि वो गांव-गांव जाके स्कूलों में जाके छऊ सिखा सके। इसलिए हम लोग 4 साल से स्कूल में छऊ नाच सीख रहे हैं सुभाषिष भैया के मदद से। पंडाडी स्कूल से हूँ, सुभाषिष जी के सहारे से हम छऊ सीखते हैं और बिल्कुल उसमें हम लोग को बहुत रुचि लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इन नन्ही बच्चों को, शायद ही आपने इन बच्चों को ये नृत्य करते देखा होगा। यहाँ 3 वर्ष 10 वर्ष के बालक अपने छऊ नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इसके साथ कई अन्य बच्चे भी छऊ नृत्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। शुभाशीष अपने वेतन के पैसे से छात्रों को पंडाडी गांव में छऊ नृत्य का प्रशिक्षण दिला रहे हैं, साथ ही कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। लाइव 7 के लिए रजरप्पा से फिरोज की रिपोर्ट।